आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मशरूम दो प्याजे की सब्ज़ी। कितनी टेस्टी है ना फ्रेंड्स। हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नीलिमा विश्वकर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका यमी टमी नीलिमा कुकिंग में। मैंने पहले कसूरी मेथी लिया है, उसे कढ़ाई में थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी क्योंकि बारिश का मौसम है, इसलिए मेथी के जो पत्ते हैं वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए आप लोग भी इसी तरह से पहले भून लें। ध्यान रखें कि ये जलने ना पाए। मेरा पत्ता काफ़ी अच्छा सूख गया है, मैं इसे निकाल लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कैसे पत्तियाँ एकदम टूटने लगी हैं और करकरारी आवाज़ आ रही है। मैंने ये प्याज लिए हैं, दो मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इसे मैंने पीस लिया है, मोटा ही पीसा है। जब हम इसे तेल में डालेंगे तो इसके पानी को अच्छे से निचोड़ के तब प्याज डालेंगे। मैंने दो प्याज लिए हैं, इसको इस तरह से खोल लिया है, और टमाटर लिया है दो, अदरक है, और मैंने तीन हरी मिर्च लिया है। इसमें हम लहसुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और मसाले देख लेते हैं, हमने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, जीरा पाउडर, गरम मसाला, दो चम्मच है धनिया और हल्दी, और मैंने ये दो चम्मच दही भी लिया है, और तीन चम्मच दूध की मलाई ली है, और मशरूम है, इसे आप पानी के नीचे अच्छे से धो के इस तरह से काट लें। छोटा है तो दो फॉल काटे और बड़ा है तो उसमें चार करें। मैंने गैस पे कढ़ाई रखा है, अब मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जो भी तेल खाते हो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर हमने जो प्याज खोल के रखी थी ना, वही प्याज हमें पहले उसको हल्का सा सोटे करना है। बस इतना ही हमें करना है कि प्याज का जो कच्चापन है वो निकल जाए, हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। हमें इसे कंटिन्यू ऐसे चलाते रहना है, नहीं तो एक साइड होगा नहीं, एक साइड कच्चा रहेगा, तो इसे हमें चलाते हुए अच्छे से दोनों साइड पलट के पका लेना है। इस तरह से आप इसे चलाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे तो ये जल्दी होता है। मेरा प्याज हो चुका है, मैं इस तरह से निकाल लूँगी उसे। आप भी ऐसे ही टेढ़ा करके थोड़ा निकालें, जो कि एक्स्ट्रा ऑयल रहता है वो वापस गिर जाता है। पहले हम अदरक डालेंगे, थोड़ा सा उसे चला के भून लेंगे। फिर हरी मिर्च है, हरी मिर्च में आप कट लगा लेंगे। फिर हम टमाटर डाल देंगे, और हमें इसे उतना ही पकाना है टमाटर को कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, फिर उसके बाद हम निकाल लेंगे। देखिए मेरे टमाटर सॉफ्ट हो गए, मैं इसे भी निकाल लूँगी। इस तरह से आप जब भी निकालते हैं तो सारा एक्स्ट्रा तेल वापस कढ़ाई में चला जाता है। तो अब हम इसी बचे हुए तेल में मशरूम डालेंगे, और हमें इसे चलाते रहना है दोनों तरफ से, अच्छे से सिक जाए। हमें इतना नहीं पकाना है कि मशरूम पानी छोड़ने लगे। बस हमें हल्का सा इसे फ्राई करना है। इसे बराबर हमें उलटते पलटते रहना है।
अब हम इसे निकाल लेंगे। वापस से हम उसी कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गरम होने देंगे। अब हमने प्याज का पानी निचोड़ के निकाल लिया है और ड्राई प्याज हम तेल में डालेंगे। ये पानी हमें फेंकना नहीं है, जब हम मसाला इसमें डालेंगे तभी हम ये पानी डाल देंगे उसमें, ताकि मसाला अच्छे से पके। हमें इसे चलाते हुए अच्छे से पका लेना है। ध्यान रखना है कि इसे जलाना नहीं है, प्याज हल्का गोल्डन होता है तभी हम सारे मसाले डाल देंगे। अब जो पानी बचा था प्याज का हम उसे भी डाल देंगे और इसे चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। देखिए मेरा मसाला पक चुका है और तेल साइड साइड से छोड़ रहा है वो। हम उसे फिर भी अच्छे से पका लेंगे, क्योंकि मसाले का पकना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसमें दही डालेंगे। आप सोच रहे होंगे कि टमाटर और दही भी सब्ज़ी बहुत खट्टी हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल खट्टी नहीं होती है, आप एक बार ट्राई करें। मेरी दही भी देखिए पक के हो चुकी है और ये अब तेल छोड़ रही है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पक गई है। हमने जो टमाटर और मिर्ची अदरक को फ्राई किया था तेल में हल्का सा, हमें उसे पीस लेना है। जो हमने पीसा था ना, सारा हम इसमें डाल देंगे। और इसे भी थोड़ा सा पका लेंगे। हम जब डालेंगे तभी ये नमक डाल देंगे। टमाटर को अच्छे से पकना बहुत ज़रूरी है और नमक डालने के बाद टमाटर बहुत ही अच्छा से पक जाता है और बहुत जल्दी पकता है। हम साथ में मशरूम भी डाल देंगे, ताकि जो मशरूम पानी छोड़ेगा उसमें ही जो है मसाले, प्याज, टमाटर सब और मशरूम भी उसी में साथ में पकेंगे। इसे ढक के थोड़ा सा 5 मिनट के लिए पकाएंगे। फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा है, पक रहा है। और हमें गैस का फ्लेम लो रखना है, सब्जियों को जलाना नहीं है हमें। इसे हमें धीमी आंच पे पकाना है। अब मैं इसी पे कसूरी मेथी डाल दूंगी, क्योंकि इसका भी फ्लेवर आना चाहिए। हमें जो प्याज भून तल के रखा था उसे भी डाल देंगे। अब हमने जो दूध की मलाई ली थी वो भी इसी में अभी डाल देंगे। सब साथ में मिक्स करके अच्छे से इसे पकाना है। देखिए दूध की मलाई डालने के बाद कलर चेंज हो चुका है सब्जी का। अब हम इसे ढकेंगे, ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा पक के तैयार है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हम इसे ढक ढक के यूं ही पकाते रहेंगे, हमें एक्स्ट्रा पानी अलग से नहीं डालना है। अगर आपको ग्रेवी टाइप खानी है तो आप अभी गैस बंद कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मेरा देखिए अच्छे से हो। तो फ्रेंड्स तैयार है मशरूम दो प्याज़ा।
और ख़ुद भी खाएं, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।